स्टाइल और बैकअप ग्रिड स्टाइल। तो डोमिनेंट ग्रिड स्टाइल ये होता है कि जब आप किसी ग्रिड के अंदर मौजूद है तो आप डोमिनेट कर रहे हैं अपने आप को, या बैकअप है सही पे नहीं है तो फिर आप अपने आप को छुपा रहे हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। थ्री आर से कहते हैं, आर वन है रिसोर्सेज जो आपके पास मौजूद है, इसमें नेचुरल एबिलिटी है, स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, एंथुसिएज्म है, एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, ये सारी चीजें हैं। आर टू क्या है, रिलेशनशिप, आपके रिलेशंस है मार्केट के अंदर जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं, ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या आते हैं रिजल्ट्स। रिजल्ट किसमें आते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स में आते हैं, प्रॉफिट में आते हैं, एक्सपेंशन में आते हैं, एम्प्लॉइज में आते हैं, टर्नओवर में आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखें अगर आपके पास रिसोर्सेज है, रिलेशन नहीं है, आर ही नहीं आए। अगर आपके पास रिलेशन है लेकिन रिसोर्सेज नहीं है तो तब भी रिजल्ट नहीं आएगा। सेवन रिलेशनशिप स्किल्स हैं, रिलेशनशिप बनाने की स्किल्स सेवन है। एक क्रिटिक है, इनिशिएटिव है, इंक्वायरी है, एडवोकेसी है, डिसीजन मेकिंग है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, रेजिलियंस है। आपके पास यदि आ जाए तो अपने आप से देखिएगा कि आपके अंदर कौन कौन सी मौजूद है और कौन कौन सी आपने अडॉप्ट करनी है अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। मैं क्रिटिक की बात करता हूँ, क्रिटिक आपको पता ही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे बुरी चीज मेरा ख्याल क्रिटिक होती है। कोई जरा सा आपको कहता है ये क्या कर रहे हो, आप कहते हो पता नहीं मुझे कैसे कह रहे हो। इवन आपका बॉस भी कोई बात आपको कह दे तो बर्दाश्त ही नहीं होती। तो ये बेसिकली ये स्किल हमें इंप्रूव करनी है अपने बिहेवियर को बेहतर बनाने के लिए। नेक्स्ट ये देखते हैं इसकी, इसके चार पॉइंट, इसके चार कंपोनेंट्स हैं क्रिटिक के, प्री क्रिटिक, पोस्ट क्रिटिक, पीरियोडिक कंसर्न। प्री तो हुआ तो काम शुरू करने से पहले किसी ने कह दिया कि तुम्हें तो ये पता ही नहीं है, जब किसी ने कह दिया तो आपके जहन के अंदर आ जाएगा हाँ यार इसने कह दिया तो मैंने करना ही नहीं, तो वहीं पर नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाएगी। एक तो ये होगी, दूसरी ये होती है पोस्ट क्रिटिक, काम कर दिया किसी ने कहा नहीं तुमने ठीक नहीं किया, आइडा क्या होगा अब मैंने आपकी बात ही नहीं मानी, मैंने कोई काम ही नहीं करना। नंबर टू पीरियोडिक, काम के दौरान वो बार बार आपको कहता है वहीं पे काम छोड़ देते हैं। और चौथा जो पॉइंट है वो कहता है कंकरेंट, बार बार तुझे आपको कहे, बार बार आपको कहे, आपके ऊपर तंकीद करे। तो ये बड़ा सेंसिटिव सा पॉइंट है। इनिशिएटिव, ऐसा लीडर आपको इनिशिएटिव लेने पड़ते हैं। इनिशिएटिव वो होते हैं जो कि आउट ऑफ द बॉक्स भी होते हैं और आपके सामने भी होते हैं। कभी कभी कोई इनिशिएटिव आपको बहुत आगे ले जाता है, कभी कभी कोई इनिशिएटिव आपको पीछे ले आता है, लेकिन उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर लीडर वही होते हैं जो डिसीजन, कायदे से मोहम्मद अली जना कहते होते थे आई डू नॉट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजन, आई टेक द डिसीजन एंड मेक इट राइट। तो बात ये जब डिसीजन ले रही है तो फिर उसको सच साबित करके दिखाए, वो छोड़ दें। इंक्वायरी, क्वेश्चन सीकर, इंफॉर्मेशन, ये अपने ऊपर लागू करें। अगर आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो अपने चैंबर या अपने रूम के बारे या किसी बारे में बना दे, बॉक्स बना दे, मेरे ऊपर करें जी तनकीद, बताएं मुझे मेरे अंदर क्या कमी है, क्या खामी है, ताकि अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। एडवोकेसी, अपने एटीट्यूड को एक्सप्रेस करें, अपना ओपिनियन भी दें, आइडियाज भी दें। एक बात याद रखें, आइडियाज और ओपिनियन देने का मतलब ये नहीं कि हर बात आपकी बात मानी जाएगी, कभी कभी गलत भी हो सकती। देन डिसीजन मेकिंग, अगर आप डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हैं तो तब डिसीजन जरूर करें, लेकिन उसमें भी जब आप देखें तो आप लीडरशिप ग्रिड को मद्देनजर रख के करें डिसीजन मेकिंग के ऊपर, कि आप अपने लोगों को साथ, अगर आप अपनी लीडरशिप को डेवलप करना चाहते हैं, हाँ अगर आप समझते हैं कि आप ऑटोक्रेट लीडर हैं तो फिर तो आप बेशक डिसीजन करें, लेकिन जब डिसीजन कर लें फिर अपने डिसीजन को सही साबित करें 110%। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन दो सूरतों में होती है, या तो खुद अकेले करते हैं या फिर टीम को बिठा के करते हैं। तो आपको पता है जितने भी चारों आपको ग्रिड बता दी, अगर आप 9-9 के ऊपर है तो फिर तो आप मिलकर करेंगे टीम के साथ, अगर आप 1-9 के ऊपर है तो फिर भी आप अकेले करेंगे एम्प्लॉइज को साथ, क्योंकि एम्प्लॉइज कैसे खुश है आपसे, और अगर आप 9-1 के ऊपर करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप ऐसा डिसीजन करेंगे जो शायद किसी को काबिले कबूल नहीं होगा। रेजिलियंस, रिएक्ट टू प्रॉब्लम, सेटबैक, फेलियर, अंडरस्टैंड हाउ दिस फैक्टर इन्फ्लुएंस द एबिलिटी टू मूव फॉरवर्ड। जब कोई नाकामी होती है उसको बर्दाश्त करें और उसको अपने ऊपर लें। कहते हैं एक अच्छा लीडर वो होता है जो कामयाबियों का सेहरा अपनी टीम को देता है और नाकामियों की रीजन खुद एक्सेप्ट करता है। दैट इज द अब अपने जब कॉन्सेप्ट बता दें, मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने बताऊंगा और आप देख के बता दें, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया था दोबारा आपको बता दिया, बेसिकली तीन ही है, ऑटोक्रेट है, लैसिस्फेयर है और डेमोक्रेट है। ये जो गोलमैन के लीडरशिप स्टाइल है इनमें किससे छह डिफरेंट कर दिए, कोर्सिव कर दी, अथॉरिटेटिव, एफिलिएटिव, डेमोक्रेटिक, पेस सेटिंग और कोचिंग लीडरशिप, मिलाए तो वो तीन ही बनते हैं, थोड़ा बहुत ही फर्क होता है। कौन है
एडोल्फ हिटलर क्या समझते हैं कौन सा लीडरशिप स्टाइल था? ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेट। लेकिन एक बात आपको बता दूं, दुनिया इसे क्रिस्मैटिक लीडर कहते हैं। क्रिस्मैटिक लीडर क्यों कहते हैं? लोगों को साथ लेके, बिकॉज बात ये है कि क्रिस्मैटिक लीडर वो होता है जो खड़ा हो तो उसके पीछे आगे तो 10,000 बंदा खड़ा हो जाए। आई एम इफ आई एम नॉट रॉन्ग इमरान खान से क्रिस्मैटिक लीडर। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप वो होती है कि जब आपने कह दिया हिटलर ने कहा था कि लोगों को ये जो मार देना तो उसे मार दिया, उसे नहीं सुना। He was the only decision maker, example of autocratic leader. One person has control over all of the workers and followers. आप क्या समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में ऑटोक्रेट लीडर हो सकता है? पाकिस्तान में नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान में मेरे ख्याल लीडरशिप, तुम्हारी लीडरशिप स्टार्ट ही मार्शल आर्मी से होती है और खत्म भी वहीं तक होती है। ठीक है, देन डोनाल्ड ट्रंप क्या समझते हैं, कौन सा लीडरशिप स्टाइल है? लेसेस्फेयर है, डेमोक्रेटिक है या ऑटोक्रेटिक? ये भी ऑटोक्रेटिक है, इसे भी कभी किसी की बात नहीं मानी। आप यकीन करें दुनिया में जितने चार पांच लीडर है, जैसे नरेंद्र मोदी है जिसने मुल्क को तबाह किया, ऑटोक्रेट लीडर। डोनाल्ड ट्रंप ने जो अमेरिका की इकोनॉमी के साथ किया, ये भी ऑटोक्रेट लीडर। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके कंपैरिजन में जाऊं, मैं इसको देखूं रशिया का जो है क्या नाम है इसका, प्यूटिन, इसको अगर देखो तो ऑटोक्रेट हम इसको नहीं कह सकते। उसकी वजह यह कि उसने तरक्की बड़ी की है रशिया के साथ, आज वो फिर अकेला डिसीजन लेकर है, लेकिन उसके साथ वो थोड़ा सा डेमोक्रेटिक भी है। अब दूसरा तारी थी क्या समझते हैं कैसे लीडर थे, क्या ख्याल है लीडर थे? इज नॉट लीडर, ही इज अ सोशल वर्कर। सोशल वर्कर लीडर नहीं होता, सोशल वर्कर तो वो होता है कि जो जहां पे बैठ जाता है बस लोग आगे खड़े हो जाते हैं उसके साथ, अगर कॉज अच्छी हो। लेकिन कॉज अगर गालिबा नहीं होता तो आपका फसल खड़ा हो तो लाख बंदा उसके पीछे खड़ा हो जाता। ठीक है, हाँ जी, कौन से लीडरशिप स्टाइल? आई थिंक वन